नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान डायरी में। किसान डायरी YouTube चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों से मैं कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान भाइयों, आपको पता ही होगा कि किसान आंदोलन को आज 4 महीने पूरे हो चुके हैं और इसी बदकिस्मती लगा लीजिए कि 4 महीने तक किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं और किसान और सरकार के बीच में कोई वार्तालाप नहीं हो रही है और किसान अपने जो खेतों में जो काम चला हुआ है, सरसों की कटाई या गेहूं की कटाई, ये सब छोड़कर वहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं करी। लेकिन आज इसी को लेकर 26 मार्च को यानी कि किसान नेताओं ने पूरे भारत को बंद करने का ऐलान किया था और आज इसका अच्छा खासा असर आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारी ऐसे हरियाणा और पंजाब में और पश्चिमी यूपी में तो इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, आपको पता ही होगा कि 4 महीने से किसान और जो किसान नेता है और जो सरकार है उनकी आप जो बातचीत है वो बंद पड़ी हुई है और जानकारों का कहना है कि जब तक ये 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट है यानी कि 2 मई तक न ही किसान नेता और सरकार के बीच में कोई वार्तालाप होने की कोई संभावना दिखाई दे रही है। अगर इसका रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट आने के बाद अगर देखेगी कि सरकार को किस हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से ही सरकार किसान नेताओं से इसमें बात करने के लिए आगे आएगी। तो अगर अगर सरकार को ये लगता है कि किसानों ने जो कहा था कि वोट की चोट करने के लिए जो किसानों ने अपील की थी, अगर उसका असर उनको सरकार के ऊपर पड़ा तो सरकार किसी नए प्रपोजल पर भी बात कर सकती है। लेकिन अगर सरकार वहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव जीत जाती है तो सरकार अपने जो जो रुख अभी अपना हुआ है उससे उसी रुख पर कायम रहेगी। तो किसान भाइयों, आपको पता ही होगा कि सभी किसान भाइयों ने कहा था कि किसान नेताओं ने कहा था कि अगर ये सरकार वोट के द्वारा ही सही या गलत का निर्णय करती है तो किसानों ने नेताओं ने कहा था कि हम 5 राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर बीजेपी का विरोध करेंगे और वहाँ पर जा जा करके किसान महापंचायतें करेंगे और लोगों से कहेंगे कि वो बीजेपी को वोट न दे। तो इसी का असर लगता है कि कुछ सरकार के ऊपर पड़ा है और सरकार के जो हमारे कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी से, और न्यूज़ 24 के एक एंकर ने उनसे बात की तो उन्होंने तो एंकर से बातचीत करते हुए उन्होंने किसानों को कहा कि किसान हमारे भगवान जैसे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस इंटरव्यू में कि किसान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या क्या कहा किसानों के बारे में। हमेशा ये कहा है कि किसान हमारे लिए एक तौर से भगवान की तरह है। किसान का सम्मान करना सबका फर्ज है। जब किसान आंदोलन पे आए तो हमने यूनियन के नेताओं के साथ 50 घंटे से अधिक 12 दौर की वार्ता की, उनकी भावनाओं को समझ के उनका सम्मान रखने के लिए अनेक प्रस्ताव उनको दिए, लेकिन उन्होंने उन प्रस्तावों को माना नहीं। और इसलिए मैंने उनको कहा कि अब हमारी जो मनसा है उसको आप मन ही मान रहे हो तो आप तय करके अपना प्रस्ताव हमको दे दो, तो फिर हम आपके प्रस्ताव पर अपना मत व्यक्त करेंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उनका प्रस्ताव आएगा और सरकार उनसे वार्ता करने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन अराजनैतिक है, उनका राजनीति कोई संबंध नहीं है, तो इसका पालन किसान यूनियन ने करना। भी किसान नेताओं को और किसानों को ये आग्रह करना चाहता हूँ, आंदोलन ही किसी समस्या का हल नहीं होता। किसी भी समस्या का हल चर्चा के माध्यम से होता है। मैंने पूर्व में भी उन्हें कहा कि आंदोलन को वो समाप्त करें, सरकार के पास चर्चा के लिए आएं, अपना प्रस्ताव लेकर आएं, हम लोग प्रस्ताव पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूरी तरह। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इससे साफ दिखाई दे रहा है कि जो वोट की चोट करने का निर्णय जो किसान नेताओं ने लिया था वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव का काम कर रहा है और सरकार दबाव भी महसूस कर रही है। और आज यानी कि 4 महीने पूरे होने पर जो किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है उसको आप कितना सफल मानते हैं और क्या कहाँ कितना असर देखते हैं और इस पर सरकार के ऊपर क्या दबाव पड़ेगा, इन सब के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।